अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो इस लाल सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और साथ ही इस बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट सॉल्व करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल है आपके पास, यूज डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, देखिए इक्वेशन आपके पास जो है वो यहाँ पे मौजूद है, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले जो है वो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, इक्वेशन को जो है वो दोबारा नीचे आप कॉपी कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास जो है वो यहाँ पर x मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, इस x को जो है वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करवा देंगे। तो यहाँ क्या रह जाएगा आपके पास, जीरो। x यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ आकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से एक्स स्क्वायर जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव था, इसीलिए हमने जो है वो इसको यहीं रहने दिया राइट हैंड साइड पे, और एक्स को जो है वो यहाँ पर हम ले आए। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर यहाँ पर नेगेटिव होता तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते। ठीक है, इन चीजों का जो है वो ख्याल रखिएगा। तो थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे मैं इसको दोबारा से इस तरीके से अरेंज करके लिख लूंगा। ठीक है, इक्वेशन जो है वो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब आपने क्या चीज करनी है यहाँ पे, हेयर ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस 1 एंड सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तमाम वैल्यूज जो है वो यहाँ पे आपके पास 1 दी हुई है। अब आपने जो है वो डिस्क्रिमिनेंट यूज करना है, जो कि है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह आप रखेंगे माइनस का 1, माइनस 4, ए की जगह भी 1 आ जाएगा एंड सी की जगह भी आपके पास आ जाएगा 1। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1 माइनस 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4। प्लस माइनस माइनस 4 में से आप 1 माइनस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा माइनस का 3, जो कि हो जाएगा आपके पास लेस देन 0। Hence, roots are complex or imaginary. ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास सेवेंथ पार्ट। ठीक है, तो यहां पर भी आपने जो है वो इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। सबसे पहले 3x² प्लस का 6 इज इक्वल टू 5x। इक्वेशन मैंने नीचे दोबारा कॉपी कर ली। अब ये प्लस का 5x जो है वो हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, तो यहां आकर ये माइनस का 5x हो जाएगा एंड प्लस 6 जो है वो हम यहां लिख देंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे आ जाएगा आपके पास 0। अब देखें, a आपके पास हो जाएगा 3, बी आपके पास हो जाएगा माइनस 5 एंड सी आपके पास हो जाएगा 6। ठीक है, बी की जगह आप रख देंगे माइनस का 5, बाहर आ जाएगा स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह रख देंगे आप 3 एंड सी हो जाएगा आपके पास 6। ये क्या हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस, 5 5 जा 25 माइनस 3 4 जा 12 एंड 12 6 जा 72। ठीक है, ठीक है, प्लस का 25 एंड माइनस के 72 क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 72 माइनस 25। तो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास माइनस का 47, जो कि हो जाएगा आपके पास लेस देन 0। अगेन आपके पास क्या हो जाएगा, रूट्स क्या हो जाएंगे आपके पास, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे रूट्स और इमेजिनरी। ठीक है, लास्ट पार्ट इसका है 8th। अब देखें इक्वेशन को गौर से देखिएगा, यहां पर आपके पास जो है वो x वैल्यू मिसिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या चीज कर देंगे, ये इक्वेशन आपने नीचे दोबारा कॉपी कर ली। अब यहां पर आपके पास जो है वो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। ठीक है, x वाली टर्म आपके पास नहीं है तो b की वैल्यू को आप यहां पर क्या ले लेंगे, 0 एंड c आपके पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट नंबर 9।
ठीक है, ए बी सी की वैल्यू आपने लिख ली। अब आप डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर यूज कर लेंगे जो कि है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी की जगह रख लेंगे आप 0, ए की जगह आ जाएगा आपके पास 3 एंड सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9। ये क्या हो जाएगा, 0 0 ज 0 माइनस 4 3 ज 12 एंड 12 9 ज 108। ठीक है, 0 में से आप जो है वो माइनस करेंगे तो आपके पास जो है वो सेम वैल्यू आ जाएगी 108 और विद नेगेटिव साइन। तो अगेन आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है वो लेस देन 0 है, तो रूट्स आपके पास क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी। ठीक है, तो चलिए यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहूंगी, इसी उम्मीद के साथ कि जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।